हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह इंसुलिन और ग्लूकागन नाम के दो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की मदद से हमारी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। राइस, ब्रेड या पास्ता जैसे कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड कंज्यूम करके आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वास्तव में किसी हार में पिरोई गई मोतियों की तरह ग्लूकोज की लॉन्ग चेन रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। ब्रोकन ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, जिससे पैनक्रियाज नाम की ग्लैंड्स यानी ग्रंथि से हार्मोन और इंसुलिन का रिसाव होता है। याद रहे कि पैनक्रियाज से रिसने वाले इस हार्मोन का लिवर में इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिवर में ये हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन बेसिकली लिवर और मसल सेल्स में स्टोर्ड लॉन्ग और मल्टी ब्रांच्ड ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्य हो जाता है। इस सिस्टम के खराब हो जाने पर डायबिटीज नाम की मेडिकल कंडीशन खड़ी हो जाती है। डायबिटीज के बारे में जानने के लिए आप इसी चैनल पे डायबिटीज नाम का वीडियो व्यू कर सकते हैं। अगर आप बड़ी मात्रा में शुगर बेस्ड फूड जैसे स्वीट्स, केक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं तो भी आपको डायबिटीज का सामना करना पड़ सकता है। जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो पैनक्रियाज से ग्लूकागन नाम के हार्मोन का रिसाव होता है। ठीक इंसुलिन की तरह ग्लूकागन का टारगेट ऑर्गन भी लिवर होता है, लेकिन लिवर में इसका फंक्शन इंसुलिन से उल्टा होता है, यानी ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करता है, जिससे आपके शरीर का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ के सामान्य हो जाता है।